बहुत बहुत स्वागत है, आपके साथ हूं मैं रूबिका लियाकत। आज सबसे पहले हम आपको पाकिस्तान की परमाणु सनक का सबूत दिखा रहे हैं। ये तस्वीर जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये पाकिस्तान की नई न्यूक्लियर साइट की तस्वीर है, जहां पाकिस्तान जल्द ही परमाणु साइट बना सकता है, परमाणु बम बनाएगा। पाकिस्तान की इसी नई परमाणु फैक्ट्री का सच सैटेलाइट के जरिए दुनिया के सामने आ चुका है। ये परमाणु साइट पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद से महज 30 किलोमीटर दूर कहट्टा में खान रिसर्च लेबोरेटरीज के परिसर में ही है। ग्लोबल फायर पावर के 2016 की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के पास 120 से 130 परमाणु बॉम्ब है, जो कि भारत से ज्यादा है। ये तस्वीर भारत समेत पूरी दुनिया के लिए किसी तरह से कम नहीं है, क्योंकि ये बेहद ही खतरनाक संदेश पहुंचा रही है। इस रिपोर्ट में देखिए, हल्ला नॉर्थ कोरिया का, तैयारी पाकिस्तान की। पाकिस्तान के नए परमाणु जखीरे का पर्दाफाश। हम एक न्यूक्लियर ताकत हैं, मिसाइल ताकत हैं, हमें बिल्कुल इनसे घबराने की जरूरत नहीं है, हमें इनका ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। शरीफ के एटॉमिक आतंक की सैटेलाइट रिपोर्टिंग। सैटेलाइट से ली गई ये तस्वीरें पाकिस्तान के अवैध परमाणु उत्पादन का सबूत है। ये तस्वीरें पाकिस्तान की नई न्यूक्लियर साइट की है, जो रावलपिंडी के काहुटा शहर में बन रही है। काहुटा में बन रही न्यूक्लियर साइट पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद से सिर्फ 30 किलोमीटर दूर है। रक्षा क्षेत्र से जुड़ी एयरबेस डिफेंस एंड स्पेस नाम की संस्था ने 28 सितंबर 2015 और 18 अप्रैल 2016 को पाकिस्तान की इस नई न्यूक्लियर साइट्स की तस्वीरें ली। इन दो तस्वीरों में अब फर्क समझिए। 28 सितंबर 2015 की तस्वीर में जिस जगह पर नींव दिख रही है, करीब 5.5 महीने बाद उसी जगह पर बड़ी दीवारें बन चुकी हैं। 28 सितंबर 2015 की तस्वीर में जिस जगह को समतल किया जा रहा है, उस जगह पर इमारत खड़ी करने के लिए नींव तैयार हो चुकी है। यानी परमाणु जखीरों को बढ़ाने में जुटा पाकिस्तान काफी तेजी से नई न्यूक्लियर साइट तैयार कर रहा है। सबसे पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, वो उनके सुरक्षा के रिक्वायरमेंट से आउट ऑफ प्रोपोर्शन है मेनी टाइम्स। कहूटा में जो उनका आज के दिन में परिसर है, उनकी जो न्यूक्लियर साइट्स हैं, वो काफ़ी विकसित हैं और सैकड़ों, उन्होंने 100 से ज़्यादा उन्होंने न्यूक्लियर वेपन बना लिए हैं। IHS जेम्स इंटेलिजेंस ने इन तस्वीरों का विश्लेषण करने के बाद कहा है, पाकिस्तान जिस जगह पर नई न्यूक्लियर साइट बना रहा है, वो क्षेत्र करीब 1.2 हेक्टेयर का है। साइट के निर्माण को देखकर लग रहा है वहाँ यूरोप की न्यूक्लियर फ्यूल कंपनी URENCO ने कई सुविधाएं मुहैया कराई हैं। पाकिस्तान के परमाणु वैज्ञानिक अब्दुल कदीर खान भी पहले URENCO में ही काम करते थे। यानी हो सकता है कि नई न्यूक्लियर साइट के निर्माण में पाकिस्तान की सेना और सरकार परमाणु चोर अब्दुल कदीर खान की मदद ले रही हो। यहाँ बड़ा सवाल ये है कि जो पाकिस्तान खुद को NSG में शामिल होने का दावेदार बता रहा है, उसके अवैध परमाणु विस्तार पर कोई कार्रवाई होगी? पहला तो ये करना चाहिए, जिससे कि पाकिस्तान गवर्नमेंट कभी भी एकजुट होके इंडिया के खिलाफ काम न कर सके, और दूसरा अपनी सुरक्षा की पूरी तैयारी करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान का कोई भरोसा नहीं। जिस दिन भी पाकिस्तान के जनरल्स ये समझ लेंगे को इंडिया को परास्त कर सकते हैं, उसी दिन भारत पर अटैक कर देंगे, उनके किसी कारण की जरूरत नहीं होगी। 2015 में कार्नेजी एंडोवमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान अपने परमाणु भंडार को लगातार बढ़ा रहा है। पाकिस्तान की योजना हर साल 20 परमाणु बम बनाने की है। नवाज शरीफ राहिल शरीफ के साथ मिलकर परमाणु जखीरा बढ़ा रहे हैं, जबकि पाकिस्तान की जनता कह रही है कि उन्हें परमाणु बम नहीं, बिजली पानी चाहिए। बिजली पानी गैस का मसला पूरे पाकिस्तान का मसला, बिजली पानी गैस का मसला पूरे पाकिस्तान का मसला। तूने जितने वादे किए, तेरा हर एक वादा झूठा निकला। तूने जितने वादे किए, तेरा हर एक वादा झूठा निकला। मेरे घर की लाइट तेरा बाबा वाला बुझाता है, मेरे घर की लाइट तेरा बाबा वाला बुझाता है। तुझे कसम से आता है। यशस्वी का मल्होत्रा के साथ मनीष शुक्ला, जी मीडिया, दिल्ली। पैसा कहाँ से आता है?
है। वैसे इस तस्वीर के सामने आने के बाद क्या दुनिया पाकिस्तान पर कार्रवाई करेगी, एक्शन लेगी? क्या पाकिस्तान की परमाणु ताकत बढ़ाने में चीन बड़ा रोल निभा रहा है, ये सबके सामने आएगा? ऐसे कई सवाल हैं जिसकी पड़ताल आज जरूरी है। ग्लोबल फायर पावर 2016 की रिपोर्ट एक बार फिर से आपके सामने रखूंगी, क्योंकि उसके मुताबिक भारत के पास 90 से 110 परमाणु बम है, जबकि पाकिस्तान के पास 120 से 130 परमाणु बम है। भारत के पास 90 से 110, पाकिस्तान के पास 120 से 130 परमाणु बम। सैन्य शक्ति में पूरी दुनिया में भारत फोर्थ नंबर पर है, चौथी पोजीशन पर है, जबकि पाकिस्तान 13वें नंबर पर। हालांकि साल 2015 में पाकिस्तान 70वें नंबर पर था। भारत के पास 13.25 लाख एक्टिव जवान है, जबकि पाकिस्तान के पास 6,20,000, यानी करीब 6.25 लाख। सभी तरह के एयरक्राफ्ट को अगर मिला दिया जाए तो भारत के पास 2,086 एयरक्राफ्ट मौजूद है और पाकिस्तान के पास सिर्फ 923 एयरक्राफ्ट है। पनडुब्बी की अगर बात करूं तो भारत के पास 14 और पाकिस्तान के पास महज 5 पनडुब्बियां है। कुल मिलाकर भारत के पास इतनी ताकत आज की तारीख में है कि वो पाकिस्तान को मटिया मेट कर सकता। भारत एक जिम्मेदार देश है जबकि पाकिस्तान गैर जिम्मेदार और परमाणु तस्कर देश है। पाकिस्तान की परमाणु तस्करी पर आपको रिपोर्ट दिखाए उससे पहले ये बता दें कि रात 8:15 पर जरूर देखिएगा समंदर की अदृश्य शक्ति। लेकिन उससे पहले अब ये रिपोर्ट। नॉर्थ कोरिया से ज्यादा खतरनाक है पाकिस्तान। दुनिया की नजर इस समय नॉर्थ कोरिया के परमाणु जखीरे पर है, जबकि हकीकत यह है कि पाकिस्तान विश्व के लिए नॉर्थ कोरिया से बड़ा खतरा है। परमाणु जखीरे के दम पर उछल रहा पाकिस्तान कई बार भारत को परमाणु हमले की धमकी भी दे चुका है। ये जानते हुए कि भारत परमाणु संपन्न देश है, हम एक न्यूक्लियर ताकत हैं, मिसाइल ताकत हैं, हमें बिल्कुल इनसे घबराने की जरूरत नहीं है, हमें इनका ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। हमने जो न्यूक्लियर ऑप्शन जो है तो दिखाने के लिए तो नहीं रखी हुई, इसलिए रखी हुई है कि उसका डिटेरेंट। पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम के जनक और दुनिया के लिए अव्वल दर्जे के परमाणु तस्कर अब्दुल कदीर खान तो यहाँ तक कह चुके हैं कि वो रावलपिंडी के कहूटा से परमाणु मिसाइल छोड़कर दिल्ली को 5 मिनट में तबाह कर सकते हैं। ये वही परमाणु वैज्ञानिक हैं जिन्होंने कैमरे के सामने कबूला कि वो एक परमाणु तस्कर है। The investigation has established that many of the reported activities did occur and that these were inevitably initiated at my behest. In my interviews with the concerned government officials, I was confronted with the evidence and the findings and I have voluntarily admitted that much of it is true and accurate. पाकिस्तान की नई परमाणु साइट में यूरोप की न्यूक्लियर फ्यूल कंपनी URENCO का छाप अगर दिख रहा है तो ऐसा इसीलिए क्योंकि 70 के दशक में अब्दुल कदीर खान नीदरलैंड्स की यूरेंको लैब में काम कर रहे थे, जहां से उन्होंने सेंट्रीफ्यूज बनाने का तरीका चुरा लिया और 1975 में क्रिसमस के दिन येलो फीवर का बहाना बनाकर अब्दुल कदीर खान पाकिस्तान भाग गए। इस बीच 18 मई 1974 को भारत पहली बार परमाणु बम का परीक्षण कर चुका था और अब्दुल कदीर खान परमाणु तकनीक चुराकर पाकिस्तान को परमाणु शक्ति से लैस बनाने की कोशिश में जुटे थे। 28 मई 1988 को पाकिस्तान ने पहला परमाणु परीक्षण किया। उसके बाद अब्दुल कदीर खान ने लीबिया, नॉर्थ कोरिया और ईरान जैसे देशों को परमाणु बम बनाने की तकनीक चोरी छुपे बेच डाली। अनफॉर्चुनेटली ये ऐसी एक स्टोरी है कि एक आदमी, एक शख्स है जो पाकिस्तान का हीरो, मेरा भी हीरो था, ठीक है, लेकिन उसके बाद जो किया उन्होंने पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचाया। अब वो टीवी पे 1,000 किताब लिखकर मुझे ब्लेम कर रहे हैं, ये वो, ये छोड़े अभी इसके ऊपर क्या बात करे आदमी, बहुत नुकसान पहुंचाया इन्होंने, यही मैं कह सकता हूँ। और सबसे ज़्यादा एम्बेरसिंग मोमेंट अगर मेरे पास था वो यही था कि मैं कह रहा हूँ कि हमारी कोई नहीं प्रोलिफरेशन, हमने कंट्रोल में किया हुआ ये वो, और सामने अगर आदमी कोई तस्वीरें दे दे और सिग्नेचर्स वाले की ये देखो क्या हो रहा है, तो आदमी को मैं तो 2-3 मिनट तो मैं उन तस्वीरों को देख रहा था, असल में मैं सोच रहा था, मुझे थोड़ा बहुत पसीना भी आ रहा था कि मैं इसको अभी मैंने जवाब क्या दे रहा है, मैं ये सोच रहा था, मैं ही तस्वीरों को देख रहा था, क्या करे आदमी, सारा प्रूफ उसने सामने रख दिया। परमाणु तस्कर और आतंक की जन्नत पाकिस्तान पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। कुछ समय पहले अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के पूर्व अधिकारी कैनिव हलबर्ट ने पाकिस्तान के बारे में कहा था
पाकिस्तान दुनिया का सबसे खतरनाक देश नहीं है, बल्कि वो दुनिया के लिए सबसे खतरनाक देश है। पाकिस्तान आतंक के खतरे वाला, बुरी अर्थव्यवस्था और बढ़ते परमाणु जखीरे वाला देश है। पाकिस्तान अमेरिका और दुनिया के किसी भी देश के लिए बुरे सपने जैसा साबित हो सकता है। अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने भी पाकिस्तान को दुनिया के लिए बड़ा खतरा माना है। Well, number one, it is probably the most dangerous because of the fact it has the nukes. And, you know, you might add North Korea to that group because they have a total madman. मौजूदा हालात में पाकिस्तान भारत ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक ऐसी बीमारी बन चुका है जिसका इलाज जल्द नहीं किया गया तो पूरी दुनिया नतीजे भुगतेगी। यशस्विका मल्होत्रा के साथ मनीष शुक्ला, जी मीडिया। अब आपको दिखाते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु बम से लैस देशों में भारत कहाँ है और पाकिस्तान कहाँ है। साथ ही ये भी बताएंगे आपको कि सबसे ज्यादा परमाणु बम देश कौन सा है जिनके पास ये बम है। लेकिन ये रिपोर्ट दिखाने से पहले आपको याद दिला दूं, 8:27 पर आप जरूर देखिए आम आदमी पार्टी के अमानत का काला सच। अब ये रिपोर्ट। जमीन से आसमान तक, आसमान से समंदर तक, जल थल और वायु में मुकाबला कहीं भी हो, कभी भी हो, भारतीय सेना के आगे पाकिस्तानी फौज कहीं नहीं टिकती। ग्लोबल फायर पावर की 2016 की रिपोर्ट के मुताबिक सैन्य ताकत के लिहाज से भारतीय सेना दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर सेना है, जबकि इस लिस्ट में पाकिस्तान 13वें नंबर पर मौजूद है। भारतीय सेना में एक्टिव फ्रंटलाइन पर्सनल की संख्या 13,25,000 है, जबकि पाकिस्तान की सिर्फ 6,20,000। भारत के पास एक्टिव रिजर्व पर्सनल की संख्या 21,47,000 है, जबकि पाकिस्तान की सिर्फ 5,15,000। यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि पाकिस्तान की सेना की कुल तादाद में आतंकी शामिल नहीं है जिनका इस्तेमाल भारत के खिलाफ किया जाता है। हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंक के आका भी भारत के खिलाफ साजिश में पाकिस्तान की सेना का हाथ बटाते हैं। जहाँ तक परमाणु जखीरे का सवाल है तो भारत जब चाहे पाकिस्तान से ज्यादा परमाणु बम बना सकता है, लेकिन भारत एक जिम्मेदार देश होने के नाते ऐसा नहीं करता। सिप्री की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में सबसे ज्यादा 7,290 परमाणु बम रूस के पास है, अमेरिका के पास 7,000 परमाणु बम है, फ्रांस के पास 300 जबकि चीन के पास 260 परमाणु बम है, ब्रिटेन के पास 215 परमाणु बम है। इस लिहाज से पाकिस्तान 5वें नंबर पर है और भारत 6ठे नंबर पर। इजराइल के पास 80 परमाणु बम और नॉर्थ कोरिया के परमाणु जखीरे में 10 परमाणु बम है। दुनिया इस कोशिश में जुटी है कि किसी तरह परमाणु बम बनाने की होड़ कैसे खत्म हो, जबकि पाकिस्तान इस कोशिश में है कि परमाणु जखीरा किस तरह बढ़ाया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।